नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, DU PG के पहले राउंड का जो कट ऑफ और रिजल्ट है DU ने जारी कर दिया है, जिसका कि आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, और साथ ही सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ वगैरह के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि CVET PG की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। और साथ ही अगर आपको कट ऑफ लिस्ट देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप पे उसकी PDF अपलोड कर दी गई है। आप जो है ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको DU PG के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है, और यहाँ आने के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन वाला लिंक आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। अभी साइट जो है शायद स्लो चल रहा है, बट कोई बात नहीं, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही आपके सामने जो है कुछ इस तरह से ओपन होकर होगा, और आपके मेल पे जो है OTP भेजा जाएगा, और OTP जाने के बाद आपका OTP जो है आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा। तो उस OTP को यहाँ पर डालना है, और इसके बाद यहाँ पर कैप्चा वेरिफिकेशन करा के सबमिट OTP करेंगे, और जैसे ही आप करेंगे आपका पोर्टल आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब आपका पोर्टल इस तरह से ओपन होगा तो देख सकते हैं सभी बच्चों का पोर्टल ऐसा ही दिखा रहा होगा। तो जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देख पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें आपके पोर्टल पे दिख रही हैं। एडमिशन में क्लिक हेयर टू व्यू सीट एलोकेशन दिख रहा है, और साथ ही यहाँ पर कट ऑफ वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो क्लिक हेयर टू व्यू सीट एलोकेशन पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा, ठीक है ना। यानी कि क्लिक हेयर टू व्यू सीट एलोकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पोर्टल या आपका रिजल्ट ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपको कॉलेज कौन सा मिला है, इधर आपका प्रोग्राम का नाम है, एलोकेशन है, एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, यूजर एक्शन है, और इसके बाद यूजर एक्शन में यहाँ पर सीट एक्सेप्ट करने को कहा जाएगा, उसको आप क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सीट को आपको ज़रूर से एक्सेप्ट करना है, तभी आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। एक्सेप्ट करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सारी चीज़ें लिख के आने लगेगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि अब आपका जो डॉक्यूमेंट है जिसको कि आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था, वो अब आपके डिपार्टमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट का, और इसके बाद जो है आपको पेमेंट की लिंक आएगी। तो ये सारी चीज़ें करनी है। पेमेंट करने के बाद आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो, चाहो तो फ्रीज कर सकते हो, और साथ ही ऊपर में आपको यहाँ पर कोई भी क्वेरीज वगैरह आ सकती है, तो इसलिए उसको लगातार चेक करते रहिएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसको जो है आप लोग लगातार चेक करते रहिएगा। यहाँ पर कोई भी क्वेरीज आ सकती है, आपसे कोई मार्कशीट वगैरह मांगा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों। तो इन सारी बातों का विशेष ख्याल रखिएगा। कट ऑफ वगैरह जल्द ही मैं अपने ऐप पर आप लोगों के लिए अपलोड कर देने वाला हूँ, तो वहाँ से आप कट ऑफ भी देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी रही, और साथ ही अगर आपको DU का कोई भी कॉलेज मिला है या किसी कोर्स में एडमिशन हुआ है तो आप हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर मुझे इस कोर्स में यहाँ पर एडमिशन मिला हुआ है। बाकी अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं जल्द ही एक वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। हम लाइव आएँगे, और लाइव आने के बाद सारी चीज़ें एक एक करके आपको समझा देंगे अच्छे से। तो फिलहाल DU ने अपना रिजल्ट लाइव कर दिया है, इसी सूचना को आप लोगों को देना था इस वीडियो के माध्यम से। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिएगा। भाई DU PG की पल पल की अपडेट आपको जानना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।